Hello everyone, this is Archana, your grammar faculty, and most welcome to all at your favorite platform Literature Lovers. So friends, कैसे हैं आप सभी लोग? And very good evening to all of you. तो जल्दी से ऐड हो जाइए आज की लाइव सेशन में. और मैं देखती हूँ कि आज हमारे साथ हैं राखी, देवेंद्र, रीना, नेहा, रोशनी, वर्षा, विदित, राकेश, ज्योति, रिम्पल, मेघाली, कुमार, सुदेश, सुभाष, समर, दीपू, रितु, जस्मीन, अन्नपूर्णा, नेहा, कमलेश, वर्तिका, देवेंद्र, सभी को गुड इवनिंग. सभी को गुड इवनिंग. तो कैसे हैं आप सभी लोग और क्या क्या चल रहा है आपकी लाइफ में? आई होप सभी अच्छे से होंगे और सभी अपनी लाइफ को अच्छे से एंजॉय कर रहे होंगे, अपनी स्टडी के साथ सभी व्यस्त होंगे. तो चलिए स्टार्ट करेंगे आज का सेशन. आज भी हम मॉक टेस्ट करने वाले हैं. हाँ, तो सेशन को स्टार्ट करने से पहले, क्लास को स्टार्ट करने से पहले दे दीजिए छोटा सा कंफर्मेशन, क्या मेरा ऑडियो और वीडियो आप सभी को क्लियर है? जी निशा, बिल्कुल. हाँ, मेरी वॉइस तो सही है, यहाँ से मैंने अभी चेक किया था, बिल्कुल सही है. हाँ हाँ, दीपू का क्वेश्चन है. जी बोलिए. हाँ, तो चलिए स्टार्ट करते हैं. बिल्कुल क्लियर है क्योंकि मैंने भी चेक किया था, वॉइस क्लियर थी. हाँ बिल्कुल, तो स्टार्ट करेंगे आज का सेशन. जिनके पास वॉइस थोड़ा स्लो है वो अपनी वॉल्यूम को हाई कर लें. हाँ बिल्कुल क्लियर है सब कुछ. और एक छोटा सा रिमाइंडर आप सभी के लिए, क्लास को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स हमारे साथ ज्वाइन हो सकें. और पढ़ाने में, क्योंकि एक टीचर को भी पढ़ाने में तभी बहुत अच्छा लगता है, यानी कि अच्छे से हम क्लास को और लाइवली बना सकें ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स के साथ, ताकि डाउट्स आए, डाउट्स को क्लियर करें और अपने जो नॉलेज है उसको एनहेंस करें. तो क्लास को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के बीच में. जी बिल्कुल यूजफुल है, बिल्कुल यूजफुल है. एनवीएस के लिए भी यूजफुल है. ओके हाँ, मे बी जिनको वॉइस स्लो है उनका कुछ नेटवर्क इश्यू होगा. हाँ तो प्लीज़ एक बार आप अपनी साइड से चेक कर लीजिए. बिल्कुल हाँ, तो चलिए स्टार्ट करेंगे आज की क्लास. जी दीपू, मैंने आप ही का ही आंसर किया था, बिल्कुल ये एनवीएस के लिए भी यूजफुल है. हाँ, ग्रामर्स के जितने भी टॉपिक्स हैं वो मोस्टली सभी एग्ज़ाम में आते हैं. और ये क्लास TGT, PGT, LT ग्रेड, NVS, DSSSB और झारखंड TGT सभी के लिए बहुत यूजफुल है. हाँ, ये सभी के पर्पस से क्लासेस है. जी माइक बिल्कुल मेरे माउथ के पास ही है. हाँ माइक माउथ के पास ही है और हमेशा यही होता है, हर क्लास में यही होता है. ठीक है हाँ ओके थैंक यू. एक बार मैं चेक कर लूँ अगर तो मे बी कि ऐसा नहीं है, वॉइस क्लियर है. हेलो हेलो, बिल्कुल वॉइस यहाँ से तो बिल्कुल सही है. मैं यहाँ से भी बढ़ा दूँ. हाँ ठीक है वॉइस तो. चलिए स्टार्ट करते हैं अब क्लास को बिना किसी विलंब के, बिना किसी देरी के. लेट्स स्टार्ट द क्लास. बिल्कुल तो आज का हमारा जो हमने लास्ट क्लास में जो होमवर्क दिया था उससे स्टार्ट करेंगे आज के सेशन को. हमने किया था अफेक्टेशन, यानी कि एक क्विक रिवीजन हमें करना है अफेक्टेशन का, जिसके सिनोनिम्स हो जाएंगे शो ऑफ, फ्लॉन्ट, प्रेटेंस, स्वैंकी, हाइपोक्राइसी, पॉम्प, डिस्प्ले, ऑस्टेंटेशन, शैम. हाँ बिल्कुल. हाँ एंटोनिम्स हो जाएंगे जेन्युइटी, ऑथेंटिसिटी, वेरासिटी, ट्रूथ और रियलिटी. ये वाला जो आप वर्ड देख रहे हैं ना जेन्युइटी, ये आपका एग्जाम में आ चुका है.
तो आज क्या मुझे माइक को पकड़ के बैठना पड़ेगा क्या? हाँ ओके ठीक है, तो चलिए स्टार्ट। हाँ हाँ सही है, वॉइस सही है। तो इसके जेन्युइनिटी जो आपका है, ये आपका एग्जाम में आ चुका है, आई थिंक इसका सिनोनिम पूछा गया है, ठीक है? हाँ नेक्स्ट, अपोजिट हम कर चुके हैं। अपोजिट ये मैंने आपको लास्ट क्लास में दिया था, बिल्कुल, जिसका मीनिंग होगा रेलिवेंट, अप्रोप्रिएट, एप्ट, रिलेटेड, पर्टिनेंट, जर्मेन, सुटेबल, परटेन। परटेनिंग भी इसका मीनिंग हो जाएगा, राइट? परटेनिंग भी हो जाएगा। अब आपको मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है कि ये अपने साथ कौन सा फिक्स प्रपोजिशन लेता है, क्योंकि हम इसे फिक्स प्रपोजिशन में भी पढ़ चुके हैं। ये अपने साथ कौन सा वर्ड लेता है, और लास्ट क्लास में हमने परटेन किया था, जिसके साथ कौन सा फिक्स प्रपोजिशन आना था। बिल्कुल, जिसके साथ कौन सा फिक्स प्रपोजिशन आना था, लिंक्ड, लिंक्ड करना यानी कि सुटेबल होना, ठीक है? हाँ बिल्कुल, तो ये अपने साथ लेता है टू, ये हम कर चुके हैं, क्वेश्चंस में भी कर चुके हैं कि अपोजिट यानी कि सुटेबल, अप्रोप्रिएट, एप, रिलेटेड, जर्मेन, लिंक्ड, कॉन्गेट, ये अपने साथ टू प्रपोजिशन लेता है, ठीक है? इसके एंटोनिम्स हो जाएंगे इररेलीवेंट, इन अप्रोप्रिएट, इम्पर्टिनेंट। बिल्कुल इम्पर्टिनेंट, इम्पर्टिनेंट, इम्पर्टिनेंट। हेलो, टू प्रपोजिशन आता है, बिल्कुल। तो आज आपका वर्ड ऑफ द डे है एड्रॉइट, वर्ड ऑफ द डे है, वर्ड ऑफ द डे है एड्रॉइट। एड्रॉइट का आपको कमेंट सेशन में एंटोनिम्स और सिनोनिम बताना है, एंटोनिम और सिनोनिम बताना है। जी बिल्कुल, मेरी साइड से वॉइस क्लियर है, मैंने चेक कर लिया है। अब इससे ज़्यादा तो मैं कुछ नहीं कर पाऊंगी, हाथ में माइक पकड़ कर बैठ गई हूँ, है ना? ठीक है, ओके। जी बिल्कुल, तो वर्ड ऑफ द डे है हमारा एड्रॉइट, ओके? तो आपको एड्रॉइट का सिनोनिम और एंटोनिम कमेंट सेशन में बताना है। हाँ, तो आज के सेशन में हम रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन करने वाले हैं। ये आपका पीजीटी में आया हुआ है, पीजीटी में आया हुआ रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन है, ठीक है? आपके शायद 2001 में, शायद 2001 में आया हुआ है। तो जल्दी से इसको रीड कीजिए और फिर हम इसके क्वेश्चंस पर चलते हैं। बिल्कुल हाँ, तो आपको रीड करना है। द सफ्रेजेट मूवमेंट इन द अर्ली 20th सेंचुरी इन ब्रिटेन एम्ड टू सिक्योरिंग वोटिंग राइट्स फॉर वुमेन, राइट? द लीडर ऑफ द मूवमेंट वॉज एमेलिन फ्रैंकहर्स्ट, हुज एग्रेसिव लीडरशिप लेड द डेली मेल टू गिव द टाइटल टाइटल्स सफ्रेजेट टू डिस्टिंग्विश दिस ग्रुप फ्रॉम अदर मॉडरेट फेमिनिस्ट इन ऑर्डर टू ड्रॉ अटेंशन ऑफ द मीडिया एज वेल एज द पब्लिक। द सफ्रेजेट्स डिसरप्टेड पब्लिक मीटिंग एंड थ्रू स्टोन्स एट शॉप विंडोज। द मूवमेंट रीच्ड क्राइसिस पॉइंट इन 1913 when Emily Davidson died a painful death by throwing himself in front of the king's horse during the derby।
लास्ट क्लास में हमने जो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन किया था वो टीजीटी में आया हुआ था, आज मैं पीजीटी वाला लेकर आई हूँ। बिल्कुल, तो फर्स्ट का क्या आंसर होना चाहिए? उन्होंने पूछा कि द एम ऑफ सफ्रिजेट मूवमेंट वॉज टू गेट फॉर वुमेन। सफ्रिजेट का मतलब होता है एक वो लड़ाई जो नारी के मताधिकार के लिए की जाती है, वो आंदोलन जो नारी के वुमेन के मताधिकार के लिए किया गया। तो इसका क्या हो जाएगा कि क्या इसका वॉज टू गेट अ वुमेन, वुमेन के लिए वो क्या चाहते थे? फ्रीडम चाहते थे, एजुकेशन चाहते थे, प्रॉपर्टी चाहते थे या फ्रेंचाइज चाहते थे? बिल्कुल, तो वो क्या चाहते थे? हाँ हाँ, तो फर्स्ट का हो जाएगा डी, डी विल बी द करेक्ट आंसर, क्योंकि यहां पर देखिए सिक्योरिंग वोटिंग राइट्स फॉर वुमेन, ठीक है, किसलिए किया गया, जिसका एम क्या था, सफ्रिजेट मूवमेंट का एम क्या था, एम था वोटिंग राइट्स फॉर वुमेन। तो फ्रेंचाइजी का मतलब भी होता है वोटिंग राइट्स, यानी कि मताधिकार, यानी मताधिकार, बिल्कुल, यानी मताधिकार। हाँ, तो डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आप एक बार पैराग्राफ को अच्छे से पढ़िए, इसका लेवल इतना, मतलब इतना इजी लेवल का रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन है, बहुत इजी, भले ही ये पीजीटी में आया हुआ है, बट क्या टीजीटी में नहीं आ सकता? बिल्कुल आ सकता है, क्योंकि इसका जो लेवल है वो बहुत ज्यादा इजी है। हाँ, तो फर्स्ट का डी, बिल्कुल। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर टू, द सफ्रिजेट मूवमेंट वॉज मोस्ट एक्टिव इन द अर्ली 20th सेंचुरी, मिड 20th सेंचुरी, लेट 20th सेंचुरी या नन ऑफ दीज। बिल्कुल, हाँ, तो ए विल बी द करेक्ट आंसर, जिसका आंसर हमें फर्स्ट लाइन से ही मिल रहा है कि द सफ्रिजेट मूवमेंट इन अर्ली 20th सेंचुरी, किस में स्टार्ट हुआ, वो अर्ली 20th सेंचुरी में स्टार्ट हो गया था। तो ए विल बी द करेक्ट आंसर, इजी है, हाँ इजी है बिल्कुल। हाँ, थर्ड वाला देखिए, द लीडर ऑफ द सफ्रिजेट मूवमेंट वॉज, अब यहाँ पर आपको लीडर का नाम दिया है और ये करेक्ट स्पेल्ड वर्ड भी आपको इसमें फाइंड करना है, राइट? तो इसमें दो तरीके क्वेश्चन छिपे हैं, ट्रिकी क्वेश्चन हो गया कि लीडर का नाम दे दिया और उसी को आपको करेक्ट स्पेल्ड वर्ड भी दे दिया। तो एमिलाइन पैनक्रस्ट का आपको सही स्पेलिंग फाइंड करना है, बिल्कुल। पैंकहर्स्ट है, पैंकहर्स्ट, पी ए एन के पैंकहर्स्ट, हाँ, तो जल्दी से आंसर कीजिए क्वेश्चन नंबर थर्ड का, ए डी। हाँ, यहाँ देखिए, यहाँ लिखा है एमिलाइन पैंकहर्स्ट, कहाँ लिखा है, थर्ड लाइन में, हाँ, एमिलाइन पैंकहर्स्ट द लीडर ऑफ मूवमेंट वाज, हाँ, तो सी, सी, हाँ बिल्कुल सही, अच्छा ये यहाँ पर सी होना चाहिए था, तो सी विल बी द करेक्ट आंसर, बिल्कुल सही, थर्ड का सी, बिल्कुल, हाँ तो ये तो सभी का सही जाना चाहिए, थर्ड का सी, यानी कि सी वाले में जो स्पेलिंग है वो बिल्कुल सही है, तो सी विल बी द करेक्ट आंसर। हाँ, ऑप्शन में मिस्टेक थी, मैंने करेक्ट कर दिया। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर फोर, दिस ईयर वॉज वेरी बैड फॉर द सफ्रिजेट, कौन सा ईयर था जो बहुत ज्यादा बैड था, यानी कि जब बहुत ज्यादा क्राइसिस हुए, तो 1912, 1913, 1911 या 1914। नहीं, यू का चेंज है, सी डी जो बोल रहे हैं सेम है, यहाँ पर एच यू आर एस टी है, यहाँ पर एच आर यू एस टी है, पैंकहर्स्ट है, यहाँ पर पैंकहर्स्ट है, चेंज है जी। तो फोर्थ का बी बिल्कुल सही,
फोर्थ का भी, जो कि हम लास्ट में देख रहे हैं पैराग्राफ के, कि द मूवमेंट रीच क्राइसिस पॉइंट। जो क्राइसिस पॉइंट थे वो किस में थे, 1930 में था। क्यों? क्योंकि जब एमिली डेविडसन डाइड हो गई एक पेनफुल डेथ से, उसने अपने आप को थ्रो कर दिया किंग हॉर्स ड्यूरिंग द डर्बी, डर्बी के सामने, यानी कि हॉर्स के सामने, किंग के हॉर्स के सामने, हाँ, उसने अपने आप को थ्रो कर दिया। तो वो उनके लिए बहुत ही बैड ईयर रहा, तो 1913। जी, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। डर्बी इज द नेम ऑफ आ, अब डर्बी किसका नेम है, राइट? फेयर, फेस्टिवल, हॉर्स रेस या क्रिकेट मैच? यहाँ पर जो डर्बी दिया है ये नाम किसका है, बिल्कुल ये नाम किसका है आपको बताना है, ये किसका नाम है आपको ये बताना है, हाँ ये किसका नाम है आपको बताना है। हाँ, ये काफी इजी है और पीजीटी में आया हुआ है, और पीजीटी में आया हुआ है, काफी इजी है, मैंने बोला कि बहुत इजी। हाँ बिल्कुल, हाँ, तो फिफ्थ का सी विल बी द करेक्ट आंसर, हॉर्स रेस। हाँ, जिनकी लक जिनका अच्छा होता है उनके एग्जाम में ऐसे आ जाते हैं, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन इतना इजी, ऐसा लगता है ना कि फिफ्थ क्लास के बच्चे के लिए हो, फिफ्थ सिक्स स्टैंडर्ड के लिए। जी, हॉर्स रेस सी विल बी द करेक्ट आंसर। ठीक है, अब आगे आपके पास 15 क्वेश्चंस है, यानी कि आज मैं सिर्फ 20 क्वेश्चन लेकर आ पाई हूँ, राइट? 20 क्वेश्चंस है आपके लिए, 20 क्वेश्चंस है। हाँ, तो अब इसके बाद, यानी कि यहाँ तक तो इजी था, अब आप जो है अपना स्कोर लिखेंगे ताकि लास्ट में हम स्कोर देख सके। हाँ, तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 से। नन ऑफ अस न्यू द वे, क्वेश्चन टैग है ये, क्वेश्चन टैग है, आपको बताना है डू वी, डिड वी, डोंट वी या डिडंट वी। बिल्कुल, देखिए ना, जिनके पेपर में आया होगा वो कितने खुश हुए होंगे ऑल इन वन बोल रहे हैं, मेरा बेटा बोल रहा है क्या ये राजवीर सर की दीदी हैं तो बी, हाँ बी आप सभी आंसर में कर रहे हैं, सी भी आंसर में आ रहा है, डोंट वी, डिड वी, नन ऑफ अस न्यू द वे, हम में से, हाँ देखिए, हाँ क्योंकि नन जो है वो अपने आप में नेगेटिव है, तो नेगेटिव तो इसका बनेगा नहीं, राइट? ये दोनों तो कट हो गए, नेगेटिव इसका बनेगा नहीं, ये दोनों कट हो गए। अब डू वी होना चाहिए या डिड वी होना चाहिए, नन ऑफ अस, हम में से कोई नहीं, हाँ जानता रास्ता, तो क्या होना चाहिए, ए या बी में से कौन होना चाहिए, बी, डिड वी, क्यों? क्योंकि अस प्लूरल है, क्योंकि सॉरी, क्योंकि ये न्यू, यानी कि ये पास्ट में है, हाँ पास्ट में है, तो डिड वी बी द करेक्ट आंसर, यानी कि ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर, नन ऑफ अस न्यू द वे, तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा डिड वी, डोंट वी या डिडंट वी नहीं होगा, क्योंकि नन अपने आप में नेगेटिव है। क्वेश्चन नंबर 7, मार्क द पार्ट ऑफ द एरर, ठीक है, आपको यहाँ पर 4 ऑप्शंस दिए हैं, ठीक है, ये पूरा एक सेंटेंस है जिसको डिवाइड कर दिया ए बी सी डी में, ठीक है, रीड द 4 ऑप्शंस एज द पार्ट ऑफ अ गिवन सेंटेंस, यानी कि ये एक सेंटेंस के पार्ट हैं, आपको बताना है कि कौन से पार्ट में मिस्टेक है। ईच सिगरेट विच अ पर्सन स्मोक्स डज सम एंड इवेंचुअली यू मे गेट अ सीरियस डिजीज फ्रॉम इट्स इफेक्ट, तो आपको एरर बताना है ए में है, बी में, सी में या फिर डी में, या फिर डी में। अभी एक ही आंसर आया, हाँ, सेवेंथ बी, निक्षण, ममता सी, आरती सी, सी, हाँ
सी, यहाँ पर जो आंसर है यहाँ पर जो आंसर है वो सी में है कि यहाँ पर जो यू दिया है ये वन होगा, वन मे गेट, क्योंकि बात हो रही है हर पर्सन की, ठीक है, ईच, प्रत्येक पर्सन, तो किसी एक पर्सन को नहीं कहा जा रहा है कि यू, ईच सिगरेट विच अ पर्सन स्मोक्स डज स्मोक सम एंड इवेंचुअली वन मे गेट अ सीरियस डिजीज फ्रॉम इट्स इफेक्ट, क्योंकि सभी को इसके इफेक्ट से जो है वो यहाँ पर क्या हो जाएगा, बीमार हो जाएगा, ठीक है, इफेक्टिव हो जाएगा उसके लिए। स्मोक्स डज, ठीक है, हाँ ये सब ठीक है। ईच विच अ पर्सन स्मोक, यहाँ पर जो अ पर्सन दिया है ये भी बिल्कुल ठीक है। स्मोक्स डज सम एंड इवेंचुअली वन मे गेट, तो यहाँ पर वन यानी कि एरर सी पार्ट में है, यू के प्लेस पर वन होना चाहिए था, बिल्कुल। नेक्स्ट है आइडेंटिफाई द एरर पार्ट इन द फॉलोइंग सेंटेंस। अब आपको जो है यहाँ पर आपको दिए गए इसी, ये दोबारा से एक सेंटेंस है जिसमें आपको पार्ट्स में डिवाइड करके दिया है, आपको इसमें भी फिर से मिस्टेक बताना है। आपको इसमें मिस्टेक बताना है। जी, आइडेंटिफाई द एरर पार्ट इन द फॉलोइंग सेंटेंस। राजीव वॉज हैप्पी दैट संजय एंड ही इज सिस्टर संजय एंड हिज सिस्टर वॉज गोइंग ऑन द सेम ट्रेन नेक्स्ट डे। ये हिज है, हाँ मैंने वो सही कर दिया है, वो टाइपिंग एरर था, मैंने सही कर दिया, वो हिज है, हिज सिस्टर। मैंने कर दिया है, हाँ हाँ वो टाइपिंग एरर हो गया था, ही इज सिस्टर, वो हिज सिस्टर ही है। अब आपको एरर बताना है कि किस पार्ट में है, बिल्कुल हाँ बिल्कुल हाँ। तो इन नटशेल एरर हमारा बी पार्ट में ही है, हाँ, कि संजय और उसकी सिस्टर के साथ वॉज गोइंग नहीं आएगा, वर गोइंग आ जाएगा, वर गोइंग ऑन द सेम ट्रेन नेक्स्ट डे, बी में ही है, हाँ वर आएगा, बिल्कुल जी। तो एरर हमारा बी पार्ट में है, तो बी विल बी द करेक्ट आंसर। ओके लता, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, बहुत इजी है ये भी, हाँ यहाँ पर सभी सही आंसर करेंगे। एड डैश वाउल आफ्टर डैश लास्ट कॉन्सोनेंट, तो आर्टिकल का एरर है, एन द अ अ एन अ या फिर अ द, डी, बिल्कुल बिल्कुल सही। एड अ वाउल, आपको अ वाउल लगाना है आफ्टर द लास्ट, क्योंकि लास्ट की बात हो गई है ना, तो ओरिजिनल के साथ हमारा द आ जाएगा, बिल्कुल, और यहाँ पर किसी स्पेशल की बात नहीं की गई है, तो आ जाएगा अ वाउल आफ्टर द लास्ट कॉन्सोनेंट, तो डी विल बी द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 10, विच इज द करेक्ट स्पेलिंग, हाँ आपको इसकी करेक्ट स्पेलिंग बतानी है, बिल्कुल करेक्ट स्पेलिंग बतानी है, हाँ जल्दी से कमेंट सेशन में बताइए कि विच इज द करेक्ट स्पेलिंग, और इसका मीनिंग भी बताएंगे आप सभी कि क्या मीनिंग होगा, बिल्कुल।
तो सही मीनिंग, सही स्पेलिंग है सी, सी बिल्कुल ऑप्शन सी में करेक्ट स्पेलिंग है बायवॉक। तो इसका आपको मीनिंग बताना है, क्या मीनिंग होता है इसका। जी बिल्कुल, हाँ एक पड़ाव, एक ठहराव किसके लिए, आर्मी के लिए, जहाँ पर वो अपना टेंट लगाकर थोड़ी समय के लिए स्टे करते हैं, टेंट लगाकर थोड़े समय के लिए स्टे करते हैं, तो उसको बोलेंगे बायवॉक, बिल्कुल पड़ाव। क्वेश्चन नंबर 11, कैंप, कैंप भी इसका सिनोनिम हो जाएगा कैंप, ठीक है। चूज द करेक्ट करेक्ट स्पेल्ट वर्ड, चूज द करेक्ट स्पेल्ट वर्ड। हाँ सफ्रेजेट अभी हमने इसको किया है और इसका मीनिंग भी अभी हमने जाना है। हाँ कैंप, टेम्परेरी कैंप। हाँ अभी हम ये करके आए हैं तो ये सभी का करेक्ट जाना चाहिए। हाँ और इसका मीनिंग क्या होता है, एक आंदोलन जो वुमेन के हाँ वोट राइट्स के लिए हाँ किया जाता है, सफ्रजेट, बिल्कुल सफ्रजेट विल बी द करेक्ट आंसर, यानी कि सी, ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल सही होगा, बिल्कुल ऑप्शन सी। मीन्स फ्रेंचाइजी, हाँ बिल्कुल। क्वेश्चन नंबर 12, सेलेक्ट द करेक्टली पंक्चुएटेड सेंटेंस इन दिस ग्रुप, ठीक है दिए गए ग्रुप से आपको यानी कि ऑप्शंस में से आपको करेक्टली पंक्चुएटेड सेंटेंस बताना है। मैरी हैज ऑफर्ड टू कोच द टीम दिस ईयर कोमा, हाउ एवर कोमा द कॉम्पिटिशन फॉर द जॉब इज इंटेंस। Mary has offered to coach the team this year, semicolon. However, the competition for the job is intense. बिल्कुल। Mary has offered to coach the team this year, comma. However, the competition for the job is intense. Mary has offered to coach the team, comma, this year, comma, however, comma, the competition of for the job is intense. 12 का A, सभी का आंसर A आ रहा है mostly, but कुछ लोग B भी कर रहे हैं, हाँ C भी आंसर में आ रहा है, but A सही होगा क्योंकि this year यहाँ पर एक कोमा लगेगा, थोड़ा रुकेंगे, however, हालांकि थोड़ा हम गैप देंगे, फिर the competition for the job is intense. तो A will be the correct answer. बिल्कुल A. क्वेश्चन नंबर 13, एन ऑब्जेक्ट दैट कैन बी इजीली शेप्ड इन एनी डिजायर्ड मोल्ड इज कॉल्ड, ठीक है एक ऐसा ऑब्जेक्ट जिसको इजीली शेप्ड किया जा सकता हो अपनी इच्छा के अनुसार उसे बोलेंगे पोर्टेबल, मैलेबल, फ्लेक्सिबल या ट्रांसल्यूसेंट, ट्रांसल्यूसेंट। हाँ या फिर ट्रांसल्यूसेंट, जी तो यहां पर बी विल बी द करेक्ट आंसर होगा ना कि सी। ओके हाँ तो यहां पर हाँ बी होगा मैलिएबल, पोर्टेबल जिसको कैरी करना इजी हो, मैलिएबल एक ऐसी चीज, एक ऐसा ऑब्जेक्ट
जिसको ऑब्जेक्ट की बात हो रही है, एक ऐसा ऑब्जेक्ट जिसको इजीली शेप्ड किया जा सकता हो। फ्लेक्सिबल का होता है जो किसी भी चीज की किसी भी स्थिति में आसानी से ढल सके, उसको फ्लेक्सिबल बोला जाता है, उसको कोई शेप नहीं दी जा सकती है। हाँ, उसको कोई शेप नहीं दी जा सकती है। हाँ, तो इसलिए दोनों सेम नहीं है, यहाँ पर शेप दी जा रही है लेकिन फ्लेक्सिबल यानी कि हर स्थिति में ढल सके। ट्रांसल्यूसेंट यानी कि जो अपारदर्शी हो, हाँ, जिसके आर पार कुछ भी ना जा सके। हाँ, तो बी विल बी द करेक्ट आंसर। दोनों डिफरेंस है दोनों में। बिल्कुल। क्वेश्चन नंबर 14, गिव वन वर्ड फॉर द एक्सप्रेशन हार्ड टू प्लीज। बहुत इजी है, सभी सही आंसर करेंगे। हाँ, तो आपको इसका मीनिंग बताना है। हार्ड टू प्लीज, फास्टिडियस, ब्राइटल, इरवोकेबल या पर्सर। फोर्टीन का बिल्कुल ए, बिल्कुल सही। हाँ, तो ए विल बी द करेक्ट आंसर। बिल्कुल ए सही हो जाएगा, फास्टिडियस। हाँ, बाकी देख लेते हैं। ब्राइटल यानी कि फ्रेजाइल, फ्रेजाइल यानी जो वीक होगा, जो कमजोर होगा। इरवोकेबल यानी कि दैट कैन नॉट बी चेंज, जिसको चेंज नहीं किया जा सकता है। हाँ, परसर्व यानी कि स्टडी परसिस्टेंस इन अ कोर्स, यानी किसी काम में किसी एक्शन में लगातार निरंतर कोशिश करते रहना, बने रहना, है ना, तो उसको बोलते हैं परसर्व। बिल्कुल, तो ए विल बी द करेक्ट आंसर, यानी कि फास्टिडियस। हाँ, बिल्कुल। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15, व्हाट डू यू मीन बाय द इडियम योमेन्स सर्विस। तो योमेन्स सर्विस के बारे में आपको बताना है कि इसका क्या मीनिंग है। प्राइवेट वर्क, गवर्नमेंट वर्क, मीनेस्ट वर्क या फिर एक्सीलेंट वर्क। फिफ्टीन का बिल्कुल डी। बिल्कुल। बिल्कुल डी यानी कि एक्सीलेंट वर्क। यमेंस सर्विस का मीनिंग हो जाएगा एक अच्छा काम, एक्सीलेंट काम। ठीक है, एक्सीलेंट वर्क विल बी द करेक्ट आंसर, यानी ऑप्शन डी। बिल्कुल। क्वेश्चन नंबर 16, द न्यू प्ले हैज फॉलन फ्लैट। तो इसका क्या मीनिंग होगा। द प्ले इज अ सक्सेस, द प्ले मैट विद अ कोल्ड रिसेप्शन, द प्ले रिसीव्ड गुड रिव्यू या नन ऑफ द अबव। क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर करना है आप सभी को, जल्दी से आंसर कीजिए। द न्यू प्ले हैज फॉलन फ्लैट। बिल्कुल, हाँ बिल्कुल, बी विल बी द करेक्ट आंसर। द प्ले मैट विद अ कोल्ड रिसेप्शन। फॉलन फ्लैट एक फ्रेजल वर्ब है जिसको हम कर चुके हैं, जिसका मतलब होता है अनप्रोडक्टिव। हाँ, यानी कि किसी काम का कोई रिजल्ट ना मिलना यानी अनप्रोडक्टिव। तो फॉलन फ्लैट यानी फॉल फ्लैट यानी कि अनप्रोडक्टिव। ओके, हाँ तो हाँ, तो यहाँ से देख कर ही हमें पता चल रहा है कि एक ऐसा गेम, हाँ, जिसका कोई अच्छा रिजल्ट ना निकला हो। विद अ कोल्ड रिसेप्शन यानी कि जो बिल्कुल ठीक ठाक ही रहा हो, कुछ अच्छा रिजल्ट ना निकला हो, तो बी विल बी द करेक्ट आंसर। बिल्कुल।
बिल्कुल फॉलन फ्लैट यानी कि अनप्रोडक्टिव. क्वेश्चन नंबर 17, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इडियम हश मनी. अब आपको दिए गए इडियम हश मनी का मीनिंग बताना है. द मनी इज स्पेंट एट मिडनाइट, वो मनी जो मिडनाइट में खर्च की जाए. द ब्राइब पेड टू कीप सम मैटर सीक्रेट. द मनी रिसीव्ड इन अ डार्क रूम. द मनी रिसीव्ड इन पेपर करेंसी. बिल्कुल. तो आपको 17 का आंसर करना है. बिल्कुल बी विल बी द करेक्ट आंसर. द ब्राइब पेड टू कीप सम मैटर सीक्रेट. हाँ, कुछ मैटर को सीक्रेट रखने के लिए जो ब्राइब दी जाए वो मनी को हम हश मनी कहते हैं. क्योंकि जो एक्सक्लेमेशन होता है ना उसमें हश का मीनिंग होता है चुप रहना, है ना. हाँ, तो इसलिए हश यानी कि चुप. हाँ, तो बी विल बी द करेक्ट आंसर. तो चुप रहने के लिए जो घूस दी जाए उसको हम हश मनी बोलेंगे. बिल्कुल. क्वेश्चन नंबर 18, विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस इज करेक्ट. ठीक है, इसमें से कौन सा सेंटेंस है जो करेक्ट है. जो करेक्ट है, ही एट टू ब्रेड्स, लॉ एंड ऑर्डर आर मेंटेन्ड, ही सेड दैट ही इज रीडिंग अ न्यू पोएम, ही रॉट दिस लेटर विद अ फाउंटेन पेन. थैंक यू निक्शन फॉर योर कॉम्प्लीमेंट. एटीन का ए आंसर में कर रहे हैं आप लोग, बी भी आंसर में आ रहा है और डी भी आंसर में आ रहा है. चलिए देखते हैं. ही एट टू ब्रेड्स. देखिए, ब्रेड्स को हम कभी भी काउंटेबल नहीं बना सकते हैं क्योंकि लूफ होता है ब्रेड का, है ना. लेकिन यहाँ पर अगर हम टू पीस लिखते हैं, टू पीस ऑफ ब्रेड, तब ये सेंटेंस सही होता, right? लो एंड ऑर्डर. लो और ऑर्डर जो है वो एक, जैसे कि ब्रेड एंड बटर, है ना, यानी कि रोजी रोटी, तो ये एक यूनिट की तरह है. तो यहाँ पर आर नहीं होगा, यहाँ इज होना चाहिए था. तो ये भी रॉन्ग हो गया, ये भी रॉन्ग हो गया, बट हमें ढूंढना है करेक्ट वाला. हाँ, लूव्स ऑफ ब्रेड भी हो जाएगा या पीस ऑफ ब्रेड भी हो जाएगा. ठीक है. He said that he is reading a new poem. तो यहाँ पर he said ये कैसा है, past है. तो he is reading ना होकर या तो he reads होता. ठीक है, अगर उसकी habit की बात होती तो reads हो जाता, है ना. But ये बिल्कुल भी नहीं होगा. Is reading तो होगा ही नहीं, या फिर was reading होगा, right? या तो was reading होगा या reads होगा. हाँ, तो ये भी नहीं होगा. नेक्स्ट है फोर्थ वाला. ही रॉट दिस लेटर विद अ फाउंटेन पेन. दिस इज द करेक्ट सेंटेंस. हाँ, तो ही सेड, हाँ, ही वॉज रीडिंग अ न्यू पोएम हो जाएगा, या ही रीड्स होता. अगर उसकी हैबिट की बात होती है तो रीड्स हो जाता, क्योंकि हैबिट में टेंस चेंज नहीं होता, है ना, सिंपल प्रेजेंट रहता है. तो वॉज रीडिंग हो जाएगा. तो ये भी इनकरेक्ट है. तो डी विल बी द करेक्ट सेंटेंस, यानी कि ऑप्शन डी विल बी द राइट आंसर. हाँ, डी राइट होगा. हाँ, और अगर हम इंक की बात करेंगे तब क्या आना चाहिए. हाँ, जैसे यहाँ पर लिखा है ना विद अ फाउंटेन पेन, लेकिन अगर हम बोलें कि ही रॉट दिस लेटर डैश इंक, तो अब आपको इस डैश को फिल करना है. कमेंट सेशन में बताइए कि यहाँ पर क्या आना चाहिए. विद अ पेन, बिल्कुल, पेन के साथ विद यूज होगा. बिल्कुल सही.
बिल्कुल सही आंसर आ रहा है, इन इंक हो जाएगा, तब हम विद इंक नहीं करेंगे, इन इंक, तब हम इन का यूज करेंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 19, योर कंडक्ट इज मैक्स रैकलेस, तो यहां पर आपको बताना है किसके साथ कौन प्रीपोजिशन आएगा, इन, फ्रॉम, विद या फिर ऑफ। हाँ, विद रैकलेस बोल रहे हैं आप, ऑफ भी आंसर में आ रहा है, विद और ऑफ। हाँ, तो यहाँ पर डी सही होगा क्योंकि स्मैक ऑफ का मतलब होता है अनप्लेजेंट। हाँ, ये एक फ्रेजल वर्ब बन जाएगा स्मैक ऑफ, जिसका मीनिंग होगा, हाँ जिसका मीनिंग होगा स्मैक ऑफ, जिसका मीनिंग हो जाएगा क्या करना, अनप्लेजेंट होना। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 20, इट इज रियली स्ट्रेंज ए दैट ही वॉज नॉट बी रिप्लाइड माई लेटर सी नो एरर डी। तो आपको आंसर करना है क्वेश्चन नंबर 20 का कि इट इज रियली स्ट्रेंज दैट वी ही वॉज नॉट रिप्लाइड माई लेटर नो एरर। हाँ, तो आपको एरर बताना है किस पार्ट में है या फिर कोई एरर ही नहीं है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है कि अगर यहाँ पर इज है तो यहाँ पर भी इज होना चाहिए, ये बहुत स्ट्रेंज है, ठीक है, कोई चीज स्ट्रेंज है कि ही वॉज नॉट रिप्लाइड माई लेटर, कि उसने मेरे लेटर का रिप्लाई नहीं दिया था, ये चीज आज तक भी स्ट्रेंज है, तो जो चीज पास्ट में स्ट्रेंज थी वो आज तक भी स्ट्रेंज है उसके लिए, तो ऐसा नहीं है कि यहाँ पर आपको इज करना पड़ेगा, ठीक है। हाँ, जो चीज पास्ट में स्ट्रेंज थी उसके लिए, मतलब जो चीज पास्ट में हुई कि उसने रिप्लाइड नहीं किया, वो उसके लिए आज तक भी इट इज रियली स्ट्रेंज, वो आज भी उसके लिए स्ट्रेंज है। हाँ, तो ये तो एरर नहीं है, हमारा एरर सी पार्ट में है, रिप्लाइड के साथ टू आता है, रिप्लाइड टू माई लेटर, रिप्लाइड जो है वो टू प्रेपोजिशन लेगा, तो एरर जो है वो सी पार्ट में होगा, रिप्लाइड टू माई लेटर, ही वॉज नॉट रिप्लाइड टू माई लेटर, ये कोई कंडीशनल सेंटेंस नहीं है कि एक सिंपल पास्ट में है तो दूसरा उसमें होना चाहिए, ये एक जनरल बात कही जा रही है कि आज तक भी ये चीज स्ट्रेंज है, यानी कि ये अभी भी स्ट्रेंज है, रियली स्ट्रेंज कि उसने ऐसा किया था। हाँ, तो यहाँ पर कोई कंडीशनल सेंटेंस नहीं है जिसमें हम टेंस देखेंगे, एरर हमारा सी पार्ट में होगा, हाँ तो रिप्लाइड के साथ टू आ जाएगा, बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, तो आज के लिए 20 क्वेश्चंस, जैसा कि मैंने बोला था, अब सभी अपने, हाँ अपने स्कोर को शो करेंगे, नितिन के 16, हाँ मेरी कॉन्सेप्ट वाली क्लास, जयदीप का आंसर है कि मेरी सॉरी क्वेश्चन है कि मेरी कॉन्सेप्ट वाली क्लास जो है वो है नाउन प्रोनाउन और कंजंक्शन वगैरह के टॉपिक्स हैं जो मैंने कराए हैं, कुछ टॉपिक अभी रहते हैं, हाँ लेकिन उसमें मैंने आपको जो रूल्स पढ़ाए हैं वो क्वेश्चंस के, हाँ डिटेक्टिव मेथड के थ्रू मैंने वहाँ पर आपको टीच किया है। हाँ बिल्कुल,
एकांशी, हाँ 15 out of 20, 17 काफी अच्छा स्कोर है आप सभी का, बिल्कुल सभी का काफी अच्छा स्कोर है। हाँ यानी कि काफी सभी लोग जो हैं बहुत अच्छे से प्रिपरेशन कर रहे हैं। 15 राइट अर्चना कुमारी, हाँ बिल्कुल कल क्लास होगा। हाँ और सभी सेशन को लाइक करें, अब तो लाइक कर दीजिए, अगर आपको सेशन पसंद आया है तो सेशन को लाइक करें और कमेंट्स में अपना फीडबैक देना ना भूलें, बिल्कुल। और जो बाकी की क्लास है जैसे अभी टॉपिक वाइज बोल रहे थे वो, हाँ वो लास्ट क्लासेस देख सकते हैं एक बार। और हमारे पेड बैच को ज्वाइन करने के लिए आप इस नंबर पर मैसेज कर सकते हैं ताकि आपको सभी डिटेल्स प्रोवाइड कराई जा सके। जो चैनल पर न्यू है वो सब्सक्राइब कर दें और टेलीग्राम को ज्वाइन करने के लिए डिस्क्रिप्शन में लिंक है जिससे आप ज्वाइन कर सकते हैं। ओके सो आज के लिए इतना ही, थैंक्स टू ऑल।